हेलो फ्रेंड्स, नीलम रेसिपी विश्वकर्मा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ा लेट आ सकती है कुछ दिनों तक, थोड़ी सी मैं बिज़ी हूँ इसके लिए। तो चलिए, ये छोटी सी वीडियो आपके लिए। यहाँ पे मैंने तेल डाला था और इसमें मैंने तड़के लगाए हैं लहसुन मिर्ची, ये दो चीज़ मैंने डाल दिया है और तेल। तो ये हम थोड़ा सा भून लेते हैं और भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियाँ। तो जी हाँ, आज हम बना रहे हैं सब्जी, वो भी किस चीज़ की वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा तड़का अच्छे से हो चुका है भुन के। यहाँ मैंने डाला है आलू और पालक। तो ये दोनों चीज़ें हमने पहले से कटिंग करके ले लिया था और इसको हमने धो के ले लिया है। तो चलिए, इसको हम इसमें ऐड कर दिए। अब इसको हम अच्छी तरह से चला करके ले लेते हैं। और ये देखिए, ये पालक ही है, बाकी कुछ नहीं है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसको ढक देंगे और नमक अभी नहीं डालेंगे। चलिए, इसको हम ढक के 1 से 2 मिनट पका लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मेरा 1 से 2 मिनट हो चुका है। चलिए, इसको खोल के देखते हैं कि ये बना कैसा है। तो देखिए, ये पानी छोड़ने लगा है, साइड साइड आपको दिख रहा है। तो हमें इसको जल्दी जल्दी नहीं चलाना है, इसको हल्के हाथों से ऐसे चलाना है, नहीं तो क्या होता है ना कि आलू इसमें का फूट जाता है ना, तो ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए, ये हो गया। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं और थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे हल्दी। आप इसमें बिना हल्दी के भी बना सकते हो। वैसे तो हरी सब्जियों में ज़्यादा हल्दी मसाले नहीं पड़ते हैं तो अच्छी लगती है। तो चलिए, ये मैं कलर के लिए बस हल्का सा इसमें हल्दी डाल रही हूँ और ये मैंने डाल दिया। अब चलिए, इसको हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके इसको हम फिर से पकाएंगे। अब हमने नमक डाला है तो ये पानी बहुत छोड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, गैस को हमें मीडियम रखना है, ना ज़्यादा हाई रखना है, ना ज़्यादा हमें लो रखना है। नहीं तो हाई पे क्या होगा कि हम पकाएंगे पता ही नहीं चलेगा कब इसका पानी जल गया, और लो पे रखेंगे तो इसको पकाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए, ये हमने डाल दिया। अब इसको हम ढक देते हैं और ढक करके फिर से इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे और फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा 4 से 5 मिनट हो चुका था और देखिए पानी कितना छोड़ चुका है। और ये नमक डालने के बाद ऐसे ही पानी छोड़ देता है पालक हमारा रहता है। तो चलिए, अब आलू चेक कर लेते हैं इसका हो गया है कि नहीं हो गया है। तो आलू तो हमारा पक चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, ढक के नहीं पकाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि हमारा आलू इसमें फूट के मिक्स हो जाएगा। तो इसको हम खुला ही ऐसे पका लेते हैं और ये 2 मिनट में सारा पानी जल करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमारी सब्जी पक चुकी है। ये देखिए, नीचे पानी बिल्कुल भी नहीं है और ये हल्का हल्का अब पकड़ने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को करेंगे बंद और ये हमारी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है, आलू और पालक की भुजिया सब्जी हम इसको बोलते हैं। आप क्या बोलते हो कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आती है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए, अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए निकाल दिया है सब्जी, रोटी और कुछ सलाद। तो ये हमारे खाने के लिए तैयार हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।